हेलो इन्वेस्टर्स, गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड के बारे में। तो गाइस कुछ कमेंट आई थी CCCL कंपनी के बारे में कि भाई ये भी एक टाइम पे डेलिस्ट हुई थी या फिर नॉन ट्रेडिंग जोन आया था, ये देखिए। और वही उत्तम वैल्यू स्टील्स का भी 2 रुपीज़ के आजू बाजू का यही सेम क्राइटेरिया था, बट कंपनी आप यहाँ पे देखिए मूव ऑन कर चुकी है। ये प्राइस था, उसके बाद में यहाँ पे सीधा अप ट्रेंड आ चुका है। तो कुछ कमेंट आए थे कि भाई USL का भी सेम क्राइटेरिया है, ऐसा वैसा सब ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई USL को काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी 3-4 साल के आजू बाजू हो गए कि जिसके अंदर अभी उसके नॉन ट्रेडिंग जोन है। कंपनी डेलिस्ट होके उसका तो न्यू नेम आ चुका है, नया नाम आ चुका है उसके अंदर। तो उसके अंदर का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। इसमें क्या था, कंपनी यस डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, सेल्स भी कम थी, इसके पास एसेट्स भी इतने नहीं थे, कंपनी पूरा का पूरा डेट में आ चुकी थी और कंपनी बंद होने के तादाद पर थी। और यस ट्रेडिंग भी नहीं हो रही थी यहाँ पे, बट उसका ऑफलाइन वर्किंग चालू था। उसके CEO, MD और कलेक्टिवली उसके जितने भी ऊपर के अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट लिया, मार्केट से काफ़ी फंडिंग रेज की और कंपनी को मोमेंट के अंदर इसके अंदर सहारा दिया। बट उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड में क्या होता है, उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड में कंपनी ने अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही हैंड ओवर कर दिया दूसरी कंपनी को। तो यस उसके अंदर भी हमें पॉजिटिव होप्स है। अभी जब भी उसका डिलिस्टिंग होगा, जब भी उसका रिलिस्टिंग होगा, तब हमें उसके अंदर हमारे शेयर काफ़ी रिटर्न मिलने के चांसेस है। हाँ, मैं भी उसके अंदर काफ़ी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, मैंने मेरी एक वीडियो में दिखाया था। मैंने इसके USL के बहुत सारे शेयर उठाए हुए हैं, मैं आपको मेरे कम्युनिटी टैग के अंदर भी आपको शो कर दूंगा कि कितने शेयर्स मैंने कहाँ पे उठाए थे, तो आप देख सकते हैं। क्यों तो ओवरऑल गाइज हमें वेट एंड वॉच करना है। उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड के अंदर भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि भाई उसकी कुछ वीडियो बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ। उत्तम वैल्यू गाइज उसकी कोई न्यूज़ आई नहीं रही है, कुछ अपडेट आया ही नहीं है, तो उसकी मैं ऐसे कैसे वीडियो बनाऊँ। बट अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई CCCL के अंदर भी सेम हुआ, ये हुआ, वो कंपनी वापस ऊपर आ गई, बट दोनों का क्राइटेरिया काफ़ी अलग है। तो कंपेयर मत करिए CCCL और USL को। बट यस होप इज़ गुड, हमें उसके अंदर हमारा पैसा रिटर्न मिलेगा, ये हमारी होप है। तो गाइज और कुछ अगर आपको अपडेट आपको मिल रहा हो या किसी चीज़ आपको पता हो, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर, मैं भी रिसर्च करके उसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो भी आपको शो करूँगा ज़रूर, कि और भी काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर हैं उनको इस बात का पता लगे। तो गाइज अभी के लिए सिर्फ इतना ही, चैनल पर बने रहेगा।